आज के हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजर फॉर्म के बारे में। आज हम बात करेंगे कि यूजर फॉर्म क्या है, क्यों है और क्या बेनिफिट है और क्या क्या चीजें है। सबसे पहले जान लीजिए कि हम वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग है एक्सेल में हम यूजर फॉर्म का यूज करते हैं इंटरफेस के, मतलब कि पॉपअप क्रिएट करने के। अगर हम सिमिलर करें तो बहुत सारे ऐसे आपके पास होते हैं ना, जैसे कि एफएक्स में क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, दिख रहा है ऐसा का पॉपअप क्रिएट करने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? डेवलपर में जाइए, विजुअल बेसिक में जाइए, जहां मॉड्यूल्स इंसर्ट करते थे उसी के ऊपर आपको दिख जाएगा यूजर फॉर्म। ये आपका यूजर फॉर्म आ गया। अभी जब प्ले होगा तो इसी तरह का पॉपअप आपको देगा। अब इसको मैसेज बॉक्स में कर लीजिए, इसको इनपुट बॉक्स में कर लीजिए, बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैसेज बॉक्स आ गया, सबसे पहले मैसेज बॉक्स को यहां क्लिक कीजिए और क्लिक करते हैं आपके सामने टूल बॉक्स आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कीजिए, टूल बॉक्स का टूल बॉक्स आ जाएगा। ये जरूरी है कि आपको ड्रॉ क्या करना। आप सोच रहे हो कि इतना ही टूल्स होते हैं, नहीं, इसके अलावा भी टूल्स होते हैं। तो उसको राइट क्लिक करके एडिशनल कंट्रोल में जाके लाया जाता है, ठीक है। ये आपके मोस्ट यूज्ड टूल्स होते हैं, इसके अलावा टूल्स एडिशनल कंट्रोल यहां से लोड किया जाता है। अब साइज मैसेज बॉक्स की, तो साइज को आप यहां से अपने मर्जी से जैसा जरूरत है वैसा आप डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अब एक चीज और मिसिंग है इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ टाइटल दिख रहा है आपको यूजर फॉर्म वन, ये प्रॉपर्टी में यहाँ कैप्शन दिख रहा है, कैप्शन और टाइटल एक होता है, अच्छा ठीक है। यूजर फॉर्म में हम यहाँ आते हैं, तो कैप्शन यूजर एक ही होता है, तो यहां पे अपना टाइटल दे सकते हैं, जो भी टाइटल देना चाहे। अब इसकी कलर की बात रहे तो इसकी यहां पे आप आएंगे तो ये दिख रहा होगा बैक कलर। अब बैक कलर में कलर टाइप्स है, इसमें पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको कलर से होता है, ये तो सिस्टम हो गया, सिस्टम का नेम होता है उस हिसाब से होता है। पैटर्न आते हैं तो पैटर्न पे आपके हिसाब से जो कलर आपको चाहिए उस क्लिक करते हैं, आपका उसी कलर पे चला है। बॉर्डर जो लाइनिंग होती है, बॉर्डर का कलर आपको चाहिए तो बॉर्डर का कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं कि बॉर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें इसमें दिख रहा है आपको, एक बार अपनी इसे एक एक चीज पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो जैसे ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। अब बात आती है डिजाइन की, डिजाइन क्या करना है। तो आप अपने हिसाब से डिफाइन करना है, जैसे हमने लॉगिंग बटन डिफाइन करना है तो हमने लॉगिंग के साइज के अकॉर्डिंग हमने जो फॉर्म का साइज ले लिया, और यहाँ से टूल्स मैसेज लेबल, मतलब कि इस पे कुछ लिखना हो तो लेबल के यूज करते हैं। इनपुट बॉक्स लेना होता है, किसी से टेक्स्ट बॉक्स में किसी से कुछ लिखवाना हो तो टेक्स्ट बॉक्स, ये आपका कॉम्बो बॉक्स होता है, ये आपका लिस्ट बॉक्स होता है, ये आपका चेक बॉक्स होता है, ये आपका रेडियो बटन होता है, ये आपका प्लग बटन होता है, ये आपका फ्रेम होता है, ये आपका कमांड बटन होता है, जो ओके बटन बनाते हैं हम लोग, सबमिट हो गया ओ हो गया। ये आपका टैब होता है कि अलग अलग टैब चाहिए, ये आपका मल्टी पेज में कई सारे पेजेस में रखना चाहते हैं सो रख सकते हैं। ये स्क्रॉल बार होता है, ये आपका स्पाइन बटन होता है, और ये आपका इमेज होता है। इसके अलावा और भी चीजें हम ला सकते हैं। तो कैसे डिजाइन करेंगे, देखिए छोटा सा फॉर्म मैं डिजाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। डिजाइनिंग इसमें मेन होता है, उसके बाद हम कोडिंग करते हैं। तो इसको क्लिक किया और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया लॉग इन बटन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिया यूजर, मैं नीचे डबल क्लिक किया तो इतना ही बड़ा हो जाएगा, और फिर हमने यहां से ये ले लिया बटन,
बॉक्स। यहाँ पे हमने दिया पासवर्ड, टाइप किया पासवर्ड और फिर हमने इस पे डबल क्लिक किया और फिर यहां से पासवर्ड हमने डिफाइन। उसके बाद आता है सबमिट बटन चाहिए हमें यहाँ पे। मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ या कुछ भी नाम जो लिखना चाहो लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, कैप्शन होता है। और जनरली फॉर्म में क्लियर क्या देखते हैं ना, क्या सर? ये फॉर्म आपका बन गया। ओके, इसको और थोड़ा सा कर देता हूँ। जैसे कि ये प्ले होगा तो इस तरह का दिखेगा, दिख रहा है? इस बटन पे क्लिक होगा, इस पे क्लिक होगा, मैं टाइप करेंगे। ये तो पहला आपका पार्ट आता है इसका डिजाइनिंग का, कि आप अपने यूजर फॉर्म को डिजाइन करेंगे। दूसरा होता है वैलिडेट, जैसे कि मुझे इसमें पासवर्ड चाहिए, क्या तो पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए? यहाँ दिख, इसके इसकी प्रॉपर्टी में दिख रहा होगा पास करेक्टर, मैंने स्टार दे दिया। अब स्टार देने से क्या होगा कि जब मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पे यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पे समझ गया, ये आपका वैलिडेशन हो गया। वैलिडेशन में और भी एक कोड भी करते हैं, उसके बाद हम लॉगिन पे अपना जो कोड लिखना है कोड लिखेंगे। तो कोड की ट्रेनिंग हम आपको कल देंगे, फिलहाल आपको क्या करना है कि मैसेज बॉक्स अपने ही क्या बोलते हैं यूजर फॉर्म डिजाइन करना है। तो मुझे कम से कम 8 या 10 या 5 ही ले लीजिए यूजर फॉर्म डिजाइन करके भेजिए, ठीक है? हेलो, हाँ सर, ठीक है। एडिशनल कंट्रोल में और भी आपको मिल जाएंगे जो चाहिए सो, इसके अलावा पढ़ के समझना होगा क्या क्या है। हाँ, तो इसको एक बार कीजिए फिर हम कल बात करते हैं। कल आपको ये लॉगिन फॉर्म का आगे का चीज बताएंगे, कैसे होता है क्या होता है। पहले डिजाइनिंग पे हाथ साफ कर लीजिए, और डिजाइनिंग पे हाथ आप ही को साफ करना है क्योंकि इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि डिजाइन फॉर्म है तो मैंने बता दिया क्या कैसे होता है, क्या करना होता है, बाकी आप खुद करेंगे तो आ जाएगा। हाँ सर। ओके, मिले कल? हाँ सर, बाय। हाँ सर।